गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको अब क्लीन दिख रहा होगा। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मेरा सेटअप नहीं बना इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए सिर्फ इस वीडियो में गाइस, उसके बाद सेटअप बन जाएगा, फिर आपको हर एक वीडियो सेटअप में देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर देखो हम लोग मल्टीमीटर ले लेंगे गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मल्टीमीटर है गाइस, ये देखो यहाँ पर आपको डिस्प्ले शो होगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पर ये फ़ोन में रखूँगा ऐसे करके, और यहाँ पर डिस्प्ले हम लोग ऐसे मतलब मल्टीमीटर ऐसे करेंगे गाइस। और यहाँ पर देखो हमारा मल्टीमीटर बजर मोड में है, ठीक, आपको भी बजर मोड में सेट कर लेना। उसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, देखो जब भी आप लोग सप्लाई चेक करो आपको करना क्या होगा, जो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर रहेगा इसे आप लोग ग्राउंड ऐसे करके कर देना, माइनस से आपको चेक करना। यहाँ पर देखो एक रेड वायर है, एक यहाँ पर ब्लैक, मतलब एक प्लस वाला पॉइंट दिया है एक माइनस वाला, तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट पर सप्लाई चेक करना। मल्टीमीटर में आप लोग देखना रीडिंग आ रही नहीं, देखो गाइस यहाँ पर देखो मैंने माइनस पे टच किया है, पर देखो सप्लाई आ रही है, इसका मतलब माइनस पॉइंट पे सप्लाई आ रही, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे प्लस वाले पे, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो प्लस पे कोई भी रीडिंग नहीं, वन आ रही, मतलब रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब जो प्लस वाला पॉइंट है इस पर सप्लाई नहीं आ रही। अब गाइस यहाँ पर देखो जब आप लोग यहाँ पर कोई भी माइक लगाओगे, चाहे 10-20 माइक चेंज करो, यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि इस हमारा माइक सही है। दिक्कत कहाँ पे है, जो हमारे माइक के प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही। अब आप लोग इसकी सप्लाई कैसे ट्रेस करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जिस पॉइंट पे सप्लाई आती है उस पर आप लोग अपनी एक मल्टीमीटर को वायर ऐसे करके रखो, यहाँ पर देखो ये मैं रख रहा हूँ, और इसके आसपास आप लोग देखना बहुत सारे कंपोनेंट दिखेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो माइनस वाला पॉइंट इस पर सप्लाई आ रही, तो हम लोग ऐसे करके एक पॉइंट रखेंगे, और ये आसपास बहुत सारे कंपोनेंट लगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, देखो बीप दे रहा, इसका मतलब यहाँ पर देखो ये जो माइनस वाली पॉइंट है इसकी लाइन इस यहाँ पर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर जा रही है, यहाँ पर देखो इस पर बीप दे रहा ना, क्योंकि इसकी लाइन यहाँ पर जा रही है, ये देखो। तो हम लोगों को पता चल गया यहाँ पर जो ये माइनस वाली पॉइंट है यहाँ पर इसकी सप्लाई इस रेजिस्टेंस पे आती है, और इसके पास में आप लोग देखो कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बने, मैं आपको और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है गाइस। अच्छी तरह यहाँ पर देखो, ये देखो एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है इसकी सप्लाई इस रेजिस्टेंस पर आती है, और इसके बगल में एक ये यहाँ पर लगा गया इस और रेजिस्टेंस, आप लोग देख सकते हो सेम है, तो इसका मतलब इसकी जो सप्लाई है यहाँ पर आना चाहिए, जो ये हमारा जो माइक का प्लस वाला पॉइंट है इसकी सप्लाई इस वाले रेजिस्टेंस पे आएगी, क्योंकि जब माइनस वाली यहाँ पे आ रही है इस वाले रेजिस्टेंस पे, तो प्लस वाली सिंपल सी बात है इस पे आना चाहिए, देख लो गाइस ये, क्योंकि सेम लगे हैं बराबर लगे हैं। तो आप एक तरीका आपको अपनाना, जिस पॉइंट पे सप्लाई आए सबसे पहले आपको उससे फाइंड आउट करना हो उसकी सप्लाई किस कंपोनेंट में जाती है। यहाँ पर देखो माइनस की सप्लाई आ रही थी, तो हम लोगों ने मल्टीमीटर के एक वायर माइनस पे रखा और एक यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी, आपको फिर से एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखो गाइस देखो यहाँ पर ये मैंने रेजिस्टेंस पे रखा, अब हम लोग माइनस पे रखेंगे ऐसे करके, ये देखो बीप की आवाज़ आ रही है, आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं, इसका मतलब ये माइनस की जो पॉइंट है इस रेजिस्टेंस पे आ रही है। अब ये जो वाला बच रहा है इसके बगल वाला सिंपल से है गाइस, इसकी लाइन इस पे आना चाहिए, मगर यहाँ पर देखो कट चुकी लाइन, देखो यहाँ पर बीप नहीं दे रहा, आप लोग देख सकते हो बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब इसकी लाइन कटी है, देखो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जंपर उठाएंगे, एक पॉइंट इसमें जोड़ेंगे और एक पॉइंट इस वाले हम लोग रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे, तो हमारा माइक 100% काम करेगा। अब यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ, आपको लाइव फिर दिखाता हूँ गाइस टेस्ट करके, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जंपर वायर है, और गाइस यहाँ पर आपको पेस्ट चाहिए, देखो क्योंकि हम लोग यहाँ पर जंपर वंपर मारेंगे, यहाँ पर आपको पेस्ट और जंपर वायर और यहाँ पर सोल्डिंग वायर चाहिए गाइस, ठीक है। इतनी सामान आपको चाहिए जंपर मारने के लिए, छोटा पर मैं जंपर मार लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जंपर मार दिया है, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लीन दिख रहा होगा, और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार ये जंपर वायर को यहाँ पे कट कर देंगे गाइस, ठीक है। ये देखो मैंने कट कर दिया, यहाँ पर आप लोग देख लो मैंने जंपर मार दिया गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा माइनस वाला माइक का पॉइंट था यहाँ पर ये इसके बगल में रेजिस्टेंस लगा वहाँ पर सप्लाई आ रही थी, और सिंपल सी बात है गाइस सेम रेजिस्टेंस थे, तो एक बगल वाला है यहाँ पर हम लोगों ने प्लस वाले पे मार दिया, क्योंकि इसे दोनों बराबर दिखेंगे। आप लोग देखना कोई भी कीपैड फ़ोन है जैसे माइक ना काम करे सप्लाई ना आए, तो उसके पास में देखना दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा बराबर होंगे गाइस, तो आप लोग उस प्रकार उसकी यहाँ पे सप्लाई ट्रेस कर सकते हो आप लोगों के सामने गाइस। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हम लोग एक बार यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे, अब यहाँ पर प्लस वाले पॉइंट पर सप्लाई आने लगी है या नहीं आने लगेगी, ठीक है गाइस आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो सिंपल से गाइस यहाँ पर मैं अच्छी तरह से रखूँगा गाइस, ये मल्टीमीटर है आपको दिखे ओके, और यहाँ पर ये मेरा फ़ोन है गाइस, कोशिश करता हूँ सब चीज़ दिखाने की गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, मगर आप लोग सब चीज़ जाओगे ठीक है, मुझे पता है गाइस आप लोगों को यहाँ पर सब चीज़ नहीं दिख रहा होगा मगर आप लोग सब चीज़ जान जाओगे। यहाँ पर देखो रेड वायर हम लोग ऐसे करके ग्राउंड कर देंगे, अब हम लोग यहाँ पर गाइस चेक करेंगे प्लस वाले पॉइंट पर, तो आप लोग मल्टीमीटर में ध्यान देना रीडिंग आने लगी है नहीं,
देखो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मल्टीमीटर में अब रीडिंग आने लगी। पहले आप लोग देख रहे थे यहाँ पर मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं आ रही थी, मतलब प्लस वाले पॉइंट पे सप्लाई नहीं आ रही थी। अब गाइस हमारा माइक काम करेगा। इस प्रकार गाइस हम लोग सप्लाई को ट्रेस करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक बार मैं जला के दिखा देना चाहता हूँ। लाइट देखो, ये देखो रीडिंग आने लगी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हम लोग ये पावर पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखो मल्टीमीटर की लाइट ऑन हो चुकी। देखो इस यहाँ पे रीडिंग आ रही है, पहले आप लोग देख रहे थे यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही थी। हमारा फ़ोन बन के रेडी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग इसके करते हैं। ओके गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मैंने फ्रंट कैमरा चालू कर दिया है, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा नेटवर्क वाला एंटीना है गाइस। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने जंपर मारा था, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग जूम करके देख लेना गाइस, क्योंकि फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोगों को नहीं दिखेगा। फिलहाल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आपको जंपर वायर दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं गाइस, आप लोगों के सामने करूँगा। यहाँ पर हम लोग फिर से इसमें बैटरी लगाएंगे, ये मैंने बैटरी लगा दिया। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर हम लोग पावर की को प्रेस करेंगे, सेट को फिर से हम लोग ऑन करते हैं। यहाँ पर गाइस सेट ऑन नहीं हो रहा, हम लोग इसे अच्छी तरह से यहाँ पे फिर से लगाएंगे गाइस। ये मैंने बैटरी लगा दी अच्छी तरह से, हम लोग पावर की को फिर से प्रेस करेंगे। ये देखो हमारा सेट ऑन हो चुका है। ओके गाइस, ओके अब देखते हैं यहाँ पर हमारा माइक वर्क कर रहा है नहीं, ये हिल जाता है गाइस बार बार। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसे पकड़ लेंगे, सॉरी गाइस, अच्छी तरह से हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे इसे। ये हम लोग पावर की को प्रेस करेंगे, ये मैंने पावर की को प्रेस किया, सेट को ऑन करेंगे, बैटरी अच्छी तरह से लगाएंगे। ये मैंने बैटरी को अच्छी तरह से लगा लिया गाइस, सेट हमारा ऑन हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये देखो। ओके आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया, किसी भी पॉइंट पे जैसे सप्लाई ना आए तो आप लोग कैसे ट्रेस करोगे, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को बनाया है गाइस। जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है गाइस। और जो बेलाइकन घंटी होती है उसे आपको ऑल पे टिक कर देना। अब गाइस यहाँ पर हम लोग एक बार कॉलिंग करके इसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं कॉलिंग करता हूँ, ये मैंने कॉलिंग किया है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देखो मैंने कॉलिंग किया। ओके तो गाइस ये हिल गया मेरे समझ में, ये हिल जाता है गाइस। तो हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे, इसे हम लोग पैक करते हैं, ठीक है। तो पैक करते हैं, फिर से हम लोग इसे चेक करेंगे गाइस। अभी मेरा सेटर नहीं बना इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग फिलहाल एडजस्ट कर लेना। ओके गाइस सेटअप बन जाएगा तो यहाँ पर आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी अच्छी अच्छी। तो यहाँ पर देखो मैंने पावर की को प्रेस किया, और ये देखो गाइस लावक फ़ोन है, हम लोग इस पर कॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सुनना, मेरी आवाज़ सुनाई देगी, मैं इससे बोलूँगा इसमें सुनाई देगी, आप लोग देखना गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो माइक का प्लस वाला पॉइंट था उस पर सप्लाई नहीं आ रही थी। तो ये मैंने कट किया, अब हम लोग यहाँ पर पावर की को प्रेस करेंगे। ये देखो मैंने कॉलिंग किया आप लोगों के सामने गाइस, और ये फ़ोन है, इस पर अभी कॉलिंग आएगी। वीडियो को मैं कुछ भी नहीं कट करता हूँ, जैसे मेरे पास फ़ोन आता है मैं उसी प्रकार वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ गाइस। तो गाइस इस प्रकार आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बताता हूँ। अब तो आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की हरदम वीडियो देखने को मिलती रहती है गाइस। तो फटाफट इसमें कॉलिंग आ जा, ये देखो ये कॉलिंग आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग ये उठा लिए हैं, देख सकते हैं स्पीकर में डालेंगे, इसमें बोलूँगा हेलो 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 हेलो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग सुन सकते हो हमारा माइक काम कर रहा है। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हो, जैसे आप लोगों के पास कोई भी फ़ोन आता कहीं से भी लौट के आता है, मान लो माइक ना काम करे, तो आप लोग इस प्रकार करना, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है गाइस, ठीक है। चाहे चार्जिंग पिन हो, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, जैसे नहीं काम कर रहा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। अब यहाँ पर आपको हमारे चैनल पे डेली वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। तो जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और देखो गाइस मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय।